परिवार जिसका लाल चला जाएगा उस परिवार में रही कहा जाएगा, उसमें जालसाजी के तहत उस लड़के का हत्या की गई। यदि सही तरीके से कानून का पालन नहीं हुआ, नवीन राम की परिवार को सहायता नहीं मिला, तो पूरे दलित समाज के लोग डीएम का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस बार बलिया में बुलडोजर कई जगह चलने वाला है। इस वक्त यूपी के बलिया जिले के खास वो तस्वीरों को मैं साझा कर रहा हूँ। यूपी के इस बलिया जनपद काफी जो है इन दिनों खबरों को लेकर सुर्खियों में है। सिकंदरपुर में तमाम ऐसे खबरें आई और अभी पिछले दिन जो है एक पुलिस कर्मी को छुट्टी न देने पे उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। ये खबर अभी कुछ ही दिन बीतता है तब तक एक और बड़ी खबर सामने आ जाती है। ये खबर वो है कि जहां एक महीने चार दिन के बाद एक युवक का कंकाल मिलता है, यानी कि सिकंदरपुर के भाटी गांव के निवासी नवीन कुमार का कंकाल मिलने से काफी सिकंदरपुर के क्षेत्र में खलबली मच गई। अब इस बात को लेकर हमारे सामने मौजूद है बीजेपी नेता, इनसे बात करेंगे क्योंकि इस पर क्या बातें हैं, बीजेपी नेताओं से खास बात करेंगे, वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले परिचय बताएं। मेरा नाम जयराम ठाकुर है, मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं। सिकंदरपुर अभी कुछ ही दिन पहले, अभी जैसे ही अगर सामने आता है कि एक सिपाही को छुट्टी न देने पर सिपाही की पत्नी की मौत हो जाता है और कुछ ही दिन ये बीता है तब तक एक और खबर वही सिकंदरपुर थाने से आती है कि सिकंदरपुर के भाटी गांव से जो है एक युवक का कंकाल मिलता है, वो भी एक महीने चार दिन के बाद। जबकि ये देखा जाए तो सिकंदरपुर थाने में उस परिवार ने कई बार जो है चक्कर भी काटा, लेकिन उस परिवार का अभी तक जो है कोई न्याय नहीं हो पाया। बात आप सही कह रहे हैं, बलिया जिला में जी इस समय हमारे शासन से डर नहीं रहे हैं। अच्छा। जोगी बाबा की शासन से बलिया में पुलिस विभाग को डर नहीं। अच्छा। बलिया में तीन चार घटना घट चुकी, बिल्कुल वो भी लगातार एक एक करके जो है लगातार घटना घट चुकी और इस पर जो है गंभीरता से, अभी तो थोड़ा से मामला गंभीर हुआ तो नरही थाना को सस्पेंड किया गया जी। जो कि बहुत गंभीर मामला था। तब तक देखिए एक नाई की लड़की के साथ बलात्कार कर दिए लोग, उसमें बांस दी पड़ता है ना जी। तब तक वो अभी उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी जी। तो उसमें भी संगठन के लोग पार्टी के लोग दौड़ धूप किए, उस जिस समाज की वो लड़की है, नाई समाज की लड़की थी, समाज के लोग वहां धरना प्रदर्शन किए, डीएम एसपी से मिले, तब जाकर उसका एफआईआर दर्ज हुआ। ये प्रशासन का लापरवाही है। वही एक बासडी भी कांड हो गया रोहित पांडे और रोहित यादव के बीच में, अब उसके बाद जो है फिर सिकंदरपुर की बात आ गई। हाँ, रोहित कांड भी हुआ जो पंडित जी पंडित का लड़का है, और उस पर जो है देखिए अब जोगी बाबा इस पर गंभीरता से लेंगे, ये नहीं है कि नहीं लेंगे गंभीरता से। अच्छा, भाटी गांव का जो ये मामला है इसमें देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के सामने ये काफी जो है चक्कर लगाते रहे परिवार, लेकिन फिर भी जो है परिवार आज उसको न्याय तक नहीं मिल पाया। देखिए भाटी गांव का जो मैटर है नवीन कुमार राम का जी, उसमें जालसाजी के तहत उस लड़के का हत्या की गई। अच्छा, उसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। जब इसका एक महीना के बाद कंकाल मिला है तब ये जान जाइए कि पुलिस की इतना बड़ी लापरवाही है कि उसकी मिली भगत नहीं होता तो वो जो है अब तक उसका जो है पता कर लेता, पता चल जाता है। जी, थाने का चक्कर लगाते रह गए पूरे उसका परिवार, थाने का चक्कर पूरा उसका परिवार लगाता रह गया, बाकी प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया। और बलिया जिले का प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है एकदम निष्क्रिय हो गया है, पैसे पर केवल पुलिस प्रशासन चल रही है। अच्छा, यूपी में योगी बाबा का जो है जो बुलडोजर की कार्रवाई है और योगी सरकार का जो है कड़ी जो कार्रवाई है, फिर भी जो इस कार्रवाई से ये निडर ये जो बलिया के इतनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, बलिया के जो प्रशासनिक, देखिए योगी बाबा में कोई कमी नहीं है, इनको जो रिपोर्ट देने वाले हैं जो प्रशासनिक अधिकारी, हमारे भाजपा को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, वो समाजवादी के ठेकेदार हैं। जो भी कांड बलिया में हुआ है इसमें जो है प्रशासन की ढिलवाई है, प्रशासन हमारे शासन को जो है ढीला कर रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है कि जो नवीन कुमार के जो परिजन है, जो उनके घर गांव के लोग बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, योगी बाबा से गुहार लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनके न्याय के लिए यहाँ भी योगी बाबा का बुलडोजर? देखिए उसमें बृजेश राय के साथ वो सिकंदरपुर आया था, अब सिकंदरपुर से अपने घर पहुंच ही नहीं पाया,
उसके परिवार के लोग बता रहे हैं कि ब्रजेश राय के साथ सिकंजर पे गया था लड़का जी। अब तब तक आया नहीं और एक महीना तक ले उसकी जांच पड़ताल चलते रह गई, पुलिस खोजी नहीं पाई। पुलिस की लापरवाही है ना, जालसाजी है पुलिस का, इसमें पूरा टोटल पुलिस की जालसाजी। यदि गंभीरता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा यदि लेंगे गंभीरता से तो सिकंदरपुर थाना पूरा आ जाएगा। अच्छा, यानी कि थाना पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा थाना। अच्छा, यानी कि थाने की बड़ी लापरवाही है, थाने की बड़ी लापरवाही है। कंकाल देखने के बाद सभी लोगों ने जहां उसके समीप कुछ जो है डॉक्यूमेंट देखे, आधार या फिर ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिसके मिलाप से जो है पता चला कि ये नवीन कुमार का जो है कंकाल है। आज ये पूरा जो है लोग इस बात को लेकर काफी जो है थाने का घेरा भी किए, तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार पूरा गांव भी जो है इकट्ठा होकर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। देखिए, न्याय तो उसको मिलेगा, मिलेगा, न्याय निश्चित मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय के पक्ष में हमेशा काम किए हैं और काम करते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ किसी समाज को लेकर अगर कोई घटना घटती है तो योगी सरकार, योगी बाबा का बुलडोजर उस पीड़ित परिवार के साथ बिल्कुल न्याय के लिए खड़ा उतरता है। अभी दो दिन का समय लिया है ना पुलिस प्रशासन, दो दिन का समय लिया है। अभी उनकी यदि गिरफ्तारी नहीं हो पाती है जी, सही तरीके से यदि प्रशासन मुख्यमंत्री को अवगत नहीं कराते हैं जी, तो योगी बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं जी, वो तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो तो चलेगा। हाँ। इस बार बलिया में बुलडोजर कई जगह चलने वाला है, कई जगह, कई जगह हाँ। चलने वाला है। अभी जांच हो रही है कि वास्तविकता है क्या। बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं, वो किसी से डरते दबते नहीं है ना। ऐसे मुख्यमंत्री पहले दफे मिले हैं जो कि शासन के मामले में एक नंबर है। इनके साथ सारे समाज के लोग हैं, दलित पिछड़ा वर्ग सारे लोग, पीडीए के सारे समाज के लोग हैं, और ये जो सपा के लोग हैं और पुलिस प्रशासन से मिलकर भाजपा को बदनाम करने की साजिश रच रही है पुलिस प्रशासन। अच्छा, हाँ, ये पुलिस प्रशासन जो है सपा की तरफ से मिलकर ये साजिश रच रही है भाजपा को बदनाम करने के लिए। बहुत गंभीर मैटर है। अच्छा, और इसको गंभीरता से योगी बाबा के पहुंच रहा है धीरे धीरे, जैसे नरही कांड देखे हैं, इसमें इसमें लोग लगे हैं, सफेद पोस वाला लगे हैं। अच्छा, अभी वो पकड़े जाएंगे सफेद पोस वाले, उनका भी चयनित किया जा रहा है। धीरे धीरे बाबा का काम चल रहा है। सिकंदरपुर कांड पर उनकी नॉलेज में बाबा की चला गया है जी। वो आज नहीं तो कल, दो दिन का समय दिया नहीं तो थाना को तो फूंक देंगे सब। एक दलित समाज का वो एक बड़ी घटना, और दलित समाज आज न्याय की गुहार लगा रहा है। और दूसरी बात है कि उस परिवार में काफी जो है गरीब समाज के वो लोग है, किसी तरह परिवार चलता है, तो आज दलित समाज के लिए जो सुविधाएं की बात किया जाए, एक तो उस परिवार का जो है एक लाल चला गया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए न्याय और उसके परिवार के लिए कुछ अनुदान की बात किया जाए तो उसके लिए क्या करें? अनुदान उसको मिलेगा, मिलेगा। वो हमारे वहाँ क्षेत्र के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के जी, वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मिले। अच्छा, उनकी रिपोर्ट जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब जाएगी, तो उनको मुख्यमंत्री को से अनुदान मिलेगा, सहयोग मिलेगा परिवार को। हाँ, ऐसा बात नहीं, मुख्यमंत्री हर परिवार को दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं। गरीबों की पक्ष की सरकार है ये पीडीए की सरकार है। योगी बाबा चाहे मोदी जी हमारे जो भी कानून व्यवस्था को टाइट किए हैं वो पीडीए के लिए किए हैं, गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। उसको भी कुछ वहाँ के भाई सरकारी विभाग का अलग काम है, सरकार से उसको अनुदान मिलेगा, उसकी परिवार की व्यवस्था होगी। अभी कागज पत्र बन कर जाएगा तो लखपाल कानगोई पूरा परिवार बिलख रहा है। और देखा जाए तो परिवार का स्थिति इतना जो है गंभीर दिख रही है कि हर एक परिवार में पूरा मातम सब पसरा है, और वही पड़ोसी भी गांव के लोग अगर बात किया जाए तो तमाम लोग जो है इस घटना को लेकर काफी सदमे में भी नजर आ रहे हैं। अब सदमे में कहा, जो घटना घट गई वो तो दुख की बात है जी, वो तो दुखद घटना है। अब परिवार जिसका लाल चला जाएगा उस परिवार में रही का जाएगा, उसके बाल बच्चा किसे रहेंगे, उसके परिवार को सहायता भी मिलेगा मुख्यमंत्री को। सिकंदरपुर की ये जो बातें रही, सिकंदरपुर भाटी गांव का वो कंकाल को लेकर काफी सुर्खियों में जो खबरें हैं, जो नवीन कुमार का जो कंकाल मिलने के बाद काफी खलबली मच गई है, थाने का घेराव किया गया। वहीं थाने से ये जानकारी मिलती है कि दो दिन के बाद अगर गिरफ्त नहीं किया जाएगा तो फिर गाँव के लोग फिर थाने का घेराव करेंगे, न्याय के लिए फिर से जो है घेराव करेंगे। अरे, यदि सही तरीके से कानून का पालन नहीं हुआ जी, उस नवीन राम की परिवार को सहायता नहीं मिला, तो पूरे दलित समाज के लोग डीएम का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और थाने का तो थाना का स्थिति बहुत खराब है, बलिया जिला के थाने, पूरे थाने की स्थिति खराब है। अच्छा, भाजपा को बदनाम करने के लिए एक साजिश रचा गया है
मुख्यमंत्री की नॉलेज में इसको जा रहा है धीरे धीरे, भाजपा के नेता बता नहीं रहे बलिया के कि क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ हमारे नेता ऐसे हैं भाजपा के सही बात को मुख्यमंत्री के नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये दोषी है, 4-5 कांड हो गया बलिया में और उस कांड को सही तरीके से उठा नहीं रहे हैं लोग, सही तरीके से बता नहीं रहे हैं लोग। चलिए, आपका क्या सुझाव है फिलहाल, इस वक्त के लिए इतना ही।